Good morning, students. Today is 15th of April 2020. I am Mohit Sharma, the economics teacher of your ward in class 12. So today's topic is aggregate demand and related concept. हमने previously इसकी दो क्लास की हैं. उन क्लास में हमने पढ़ा what is aggregate demand, what is aggregate supply, इसके components हमने पढ़े. फिर इसके बाद हमने consumption function पढ़ा and saving function पढ़ा. होप आपको वो समझ में आया होगा. तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट मींस हाउ मच प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. अगेन हाउ मच प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. इनकम का कितना पार्ट हमने कंजम्पशन पर खर्च कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने पर खर्च कर दिया. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके दो कंपोनेंट होते हैं. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका पहला कंपोनेंट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम. इट मींस इसका एक अलग फॉर्मूला बनता है हमारा, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई. सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, वाई स्टैंड फॉर इनकम. इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद करना है. इसको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सबसे पहले हमें न्यूमरेटर पर ध्यान देना है, सी और वाई. न्यूमरेटर हमारा सी है, डिनोमिनेटर हमारा वाई है. तो हमने रिलेशनशिप कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, तीन सिचुएशन होती है जब कंजम्पशन इनकम से बड़ा होता है, कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है, और फिर इनकम ज्यादा हो जाती है कंजम्पशन से. इट मींस पहली सिचुएशन व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, इसका मतलब जब कंजम्पशन ज्यादा है क्या है इनकम से, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, आंसर विल बी मोर देन वन. So when consumption is more than income, answer will be more than 1. When consumption is equal to income, answer will be equal to 1. When consumption is less than income, answer will be less than 1. But APC की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आती, बिकॉज कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं होता. इस बात को अच्छे से ध्यान रखना. सेकेंड कंपोनेंट आता है हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. इट रेफर टू रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम. और एमपीसी की वैल्यू हमेशा जीरो और वन के बीच में फॉल करेगी. जीरो कब होगी? जब हमने सारी एडिशनल इनकम, इट मींस चेंज इन इनकम, जितनी भी एडिशनल इनकम कमाई है वो सेव कर ली, कंज्यूम नहीं की, कंजम्पशन जीरो एडिशनल इनकम में, तो उस टाइम पर एमपीसी जीरो होगा. और जब सारी एडिशनल इनकम हमने कंज्यूम कर ली तो एमपीसी हमारा वन होगा. और गरीब की एमपीसी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू रिच पीपल. क्यों? क्योंकि पुअर पीपल स्पेंड लार्जर प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर एडिशनल इनकम. प्रोपोर्शनेट हमेशा बच्चे 100% होता है, तो जो गरीब होगा वो अपनी इनकम का प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ज्यादा खर्च करेगा एज कंपैरिजन टू रिच. इसीलिए एमपीसी रिच की ज्यादा, रिच की कम होगी और पुअर की ज्यादा होगी. तो ये था हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. उसके बाद आता है हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव. इट मींस हाउ मच प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम इज सेव्ड. तो एपीएस की भी हमारी दो, सॉरी प्रोपेंसिटी टू सेव के भी हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एपीएस और एमपीएस. एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम. तो सेविंग, एपीएस क्या होता है? इट रेफर टू द रेशियो बिटवीन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम. इट मींस इनकम का कितना पार्ट हमने सेव किया. तो सेविंग फंक्शन में हमने पढ़ा था पहली सिचुएशन डिस सेविंग की होती है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और फिर पॉजिटिव सेविंग होती है. इट मींस जब सेविंग हमारी नेगेटिव है, एपीएस का आंसर भी हमारा क्या आएगा? नेगेटिव. तो एपीएस कैन बी नेगेटिव इफ सेविंग इज नेगेटिव. एपीएस जब जीरो होगी, जब हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग जीरो होती है, तो उस टाइम पर एपीएस की वैल्यू जीरो आएगी. और एपीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी, कब? जब सेविंग हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो इसमें तीन सिचुएशन बनती है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है. फिर उसके बाद आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इट मींस एडिशनल इनकम का कितना पार्ट हमने सेव किया. तो एडिशनल इनकम का जो हमने पार्ट सेव किया, तो जैसे एमपीसी वैसे ही एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू भी जीरो और वन के बीच में फॉल करती है. अगर सारी एडिशनल इनकम मैंने सेव कर ली, देन एमपीएस इज इक्वल टू वन, एंड सारी एडिशनल इनकम मैंने कंज्यूम कर ली, देन एमपीएस इज इक्वल टू जीरो. ये थे हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. इसके बाद हम इक्वेशंस पढ़ते हैं.
इक्वेशंस जो इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें यूज करनी है, तो सबसे पहली इक्वेशन देखिए, इसमें डेरिवेशन भी आता है कि किस तरीके से हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो हमारी इनकम है वो किसके बराबर होती है, या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या फिर हम उसको सेव करते हैं। तो इट मींस इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं और सेविंग को हम एस से डिनोट करते हैं। तो डिवाइड बोथ साइड बाय इनकम, इट मींस वाई से डिवाइड कर देंगे, वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने पढ़ा, एपीसी का। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, एपीएस का, और y से y कैंसल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन डिराइव होती है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन डिराइव हुई, इसको आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हो। दूसरी इक्वेशन, अब एक जैसे इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर है, वैसे ही डेल्टा इनकम डेल्टा कंजम्पशन प्लस डेल्टा सेविंग के बराबर हो, मतलब एडिशनल इनकम एडिशनल कंजम्पशन प्लस एडिशनल सेविंग के बराबर होगी। अब अगर मैं दोनों को जैसे मैंने वाई से डिवाइड किया था, वैसे ही अगर मैं डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा इक्वेशन में, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला बनता है, एमपीसी का, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला बनता है, एमपीएस का, और डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाती है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन को आपको थोड़ा ध्यान से याद करना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको एक कंपोनेंट दे देगा और दूसरे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे अगर आपका एमपीएस गिवन है 0.40, तो 1 माइनस 0.40 0.60, तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 0.60। तो इस तरीके से आप एपीसी एपीएस में से कोई एक कंपोनेंट गिवन होगा तो दूसरा कंपोनेंट आप इजिली निकाल सकते हो। सो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन की इक्वेशन पर। ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन किस बेसिस पर है कि अगर आपको कंजम्पशन निकालना है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम तो इस इक्वेशन को पुट करके आप कंजम्पशन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में बी वाई। अब मैं इसके कंपोनेंट लिख देता हूं कि किसको क्या कहते हैं, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, सी के ऊपर स्टैंड फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन, इट मींस जीरो लेवल पर हमने कितना कंज्यूम किया, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वट एवर अमाउंट वी कंज्यूम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी स्टैंड फॉर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है, ये हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज पुट करके डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर आप कंजम्पशन निकाल सकते हो। अब उसके बाद सेविंग इक्वेशन आती है, सेविंग की इक्वेशन होती है माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में 1 माइनस बी वाई, इट मीन सेविंग इज इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन 1 माइनस एमपीसी इंटू में इनकम। ये दोनों इक्वेशन आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम में भी इन इक्वेशंस का हमारा यूज होगा। इसके बाद आता है हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट मींस कि जो हम नया एसेट खरीद रहे हैं, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जितने वैल्यू पर हमने नए एसेट को खरीदा उसने हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न दिया। इसके दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस मतलब होता है जितने वैल्यू पर मैंने कोई भी नया एसेट खरीदा या रिप्लेस किया,
और प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है रेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस व्हाट एवर वी अर्न इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और उस नेट प्रॉफिट को हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी बोलते हैं। तो MEI निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है MEI स्टैंड फॉर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में सप्लाई प्राइस इनटू में 100। तो इस फॉर्मूले को पुट करके हम रेट ऑफ रिटर्न दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। और इस MEI को हम कंपेयर किसके साथ करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जैसे अगर मैंने किसी से 1,00,000 रुपए उधार लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उसको मैंने अपनी किसी भी बिजनेस प्रपोजल में इन्वेस्ट किया और जिसका यूज करके मेरे पास 10% रिटर्न आ रहा है 10% मेरा MEI है मतलब ये मैंने निकाल लिया 10% मेरा MEI है। इट मींस रेट ऑफ रिटर्न MEI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन। व्हेन बोथ आर इक्वल देन इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन MEI देन इट इज अ अनफेवरेबल सिचुएशन। इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजम्पशन कर्व। किस तरीके से हम डिराइव करते हैं ध्यान से देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 out of 10 टाइम्स एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे अगर ये मेरा ग्राफ गिवन है कंजम्पशन गिवन है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कर्व की स्लोपिंग अपवर्ड होती है 0 P लिख देता हूं ये ई पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोलते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पर मैं इनकम लिखूंगा प्लस एक्स एक्सिस यहां पे प्लस वाई एक्सिस और सेविंग कर्व को आप डिराइव करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग कर्व को डिराइव करेंगे। तो ओ वाई लिख दूंगा मैं यहां पे। सबसे पहले ओपी ओपी स्टैंड फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन ये मैं कंजम्पशन कर्व डिराइव सेविंग कर्व डिराइव कर रहा हूं थ्रू कंजम्पशन कर्व। तो यहां पर जीरो लेवल पर जो हमारा ओपी डिस्टेंस है वो ओ वाई के इक्वल होगा ये नेगेटिव वाई एक्सिस है वो किसके इक्वल होगा ओ वाई के इक्वल होगा। क्यों क्योंकि जीरो लेवल पर जो हमने कंजम्पशन किया उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हम प्रीवियस सेविंग का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली ये ओ वाई स्टैंड फॉर नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन ये हमारा नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो ये ओ वाई किसके इक्वल होगा ओपी के। तो यहां से हमारा सेविंग कर्व स्टार्ट होगा एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो सेविंग कर्व की स्लोपिंग क्या होगी अपवर्ड। तो यहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली अगर मैं सेविंग कर्व को अपवर्ड स्लोपिंग के साथ बढ़ाता हूं तो बेसिकली यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम वहां पर हमारी सेविंग क्या होगी जीरो। इट मींस जितना हमने पैसा कमाया उतने का उतना पैसा हमने खर्च कर दिया तो सेविंग क्या हुई सेविंग हमारी हुई जीरो। तो ये भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वेयर सेविंग इज इक्वल टू जीरो। बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट ये हमारी डिस सेविंग की सिचुएशन है जहां पर हम पैसा जो हमने प्रीवियसली बचा रखा था वो करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए लगा रहे हैं ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन तो हमारी सेविंग की सिचुएशन क्या हो जाती है पॉजिटिव। इट मींस अ पार्ट ऑफ इनकम इज नाउ सेव्ड। तो पार्ट ऑफ इनकम क्या कर रहे हैं हम सेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कंजम्पशन कर्व से क्या निकाल सकते हैं सेविंग कर्व। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको करनी है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़कर। ये हमारे कंसेप्चुअल स्टडी थी जो मैंने आपको बताई। फॉर्मुलों का थोड़ा ज्यादा ध्यान देना एक बार उनको रिवाइज कर लेना सारे फॉर्मूले मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले एपीसी एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग डेल्टा इनकम इज इक्वल टू डेल्टा कंजम्पशन प्लस डेल्टा सेविंग। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में बी वाई बी स्टैंड फॉर एमपीसी।
सेविंग इज इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में वन माइनस एमपीसी इनटू में इनकम। तो इन फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है। तो मैं एक साइट बता रहा हूं, एक तो माई सीबीएसई गाइड और www.quora.com, इसमें आपको नोट्स अवेलेबल है, प्लीज यहां पर आप विजिट करिएगा और अपने नोट्स को देखिएगा किस तरीके से करने हैं। इसके असाइनमेंट, आपका होमवर्क क्या है, एक तो जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए सारे रफ कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। आप संदीप गर्ग की बुक से पढ़ोगे, उन सारे कंसेप्ट को नोट्स बनाकर लेकर आओगे, मैं चेक करूंगा इंडिविजुअली। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं असाइनमेंट में दूंगा वो आपको सारे क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट करने हैं रफ कॉपी में, फेयर कॉपी के नोट्स मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।